हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है सुबह। गाइस, बैठी हूँ अभी पलंग पे क्योंकि ब्लॉगर भैया को उठा रही थी, उठ नहीं रहा है। और रात नहीं, मैंने थोड़ी सी चीले की तैयारी करके रखी थी। कैसे देखा होगा आपने कि मैंने राशन से चावल लाई थी ना, तो इसकी पूरी तैयारी करके रखी थी। मैंने थोड़ा बना के देखूँ कैसा बन रहा है। और जिदान की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसको इतना फीवर चढ़ा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाइस, अब क्या करूँ, कहाँ लेके भागूँ? दवाखाना भी जाएंगे तो भीग जाएंगे, और बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा है, रात भर सताया बच्चे ने मेरे को। तो गाइस, चलो मिलते हैं आगे दिन भर की भागा दौड़ी के साथ में, और अपने बीमार बच्चे के साथ में, अपने घर के काम के साथ में। तो दुआ करें तबीयत अच्छी हो जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में वो ऐसे ही बीमार पड़ता रहता है, क्योंकि बदन जरा हैवी है ना, मोटू है ना, गोलू गोलू सा, इस वजह से चलता है थक जाता है। स्कूल शुरू ही चलता है थक जाता है। तो चलो मिलते हैं आगे जिंदगी की भागा दौड़ी के साथ। गाइस, बारिश तो देख सकते हो कितनी मस्त वाली लगी हुई है बारिश। ओहो हो, तो बारिश में घूमने जाना बोले ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे घर के थोड़े काम पड़े हैं, कहाँ घूमने जाएंगे हम लोग। तो साफ सफाई पूरी पड़ी हुई, कपड़े लपेटना पड़ा है, और ये ब्लॉगर भैया तैयार होके जा रहा है क्लासेस, तो ये सब निपटाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, हमने ये उड़द की दाल और ये चावल मैंने भिगो दी थी 2 गिलास, और उड़द की दाल एक आधा कटोरा ज़्यादा नहीं ली हूँ, तो ये मैंने पीस लिया है आधे से ज़्यादा, और आधा मैं पीस रही हूँ। तो गाइस कंटिन्यू रहे, देखिए आप कितना बैटर मैंने तैयार किया है, और ये अभी पीसने जा रही हूँ, तो कंटिन्यू रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ गाइस, इतना तो बन चुका है बैटर, ये छोटा सा टॉप है, ब्लॉग में शायद बड़ा दिखता होगा वीडियो के अंदर, बहुत छोटा सा टॉप है। एक दिन तो चले बैटर, बट मुझे ये डर है कि ये सवेरे ऊंचा ज़्यादा हो के बाहर गिर मचाए, तो शायद मुझे ये टॉप चेंज करना पड़ेगा, कोई बड़े टॉप में डालती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पूरा हो गया है रेडी। अरे मेरा कैमरा कैसे गिर रहा है, अब देखो क्या मस्त वाला खमीर हुआ है ना, बहुत ही अच्छा वाला खमीर हो गया है। और ऐसी वाला चाहिए था बेटे, मैं रात भर जितनी बार उठी हूँ ना उतनी बार चेक कर कि डबलों के नीचे गिरा तो नहीं है। कितना मस्त वाले बबल्स आए हैं, खुशबू इतनी अच्छी आती ना इसकी, खट्टी खट्टी सी अच्छा लगता है। तो बनाते हैं आज चीला, पहले करते हैं ये चाय बन जाए, गैस खाली हो जाए, तो एक जगह चटनी की तैयारी करती हूँ, एक जगह बहुत अच्छा लग रहा है। पानी, कपड़ा, बर्तन सब बाकी है गाइस, पानी फिर मोटर हमारा ख़राब है, आपको पता है, नीचे से पूरा पानी लेके आना है। कपड़े जो बाहर सूख रहे हैं ना, वो गीले कपड़े ऐसे टंगा के रखी थी, वो सब धोना है, और यहाँ पे देखो इस सब को लपेटना है। ये रात भर जागा है लड़का, रात भर जागा है, पता नहीं क्या सोच रहा था, हिंदी नहीं आ रही थी इसको। ये पूरे कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं, ये बारिश तो कल कंटिन्यू पूरे घर पूरे मुंबई में लगी हुई थी। तो चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पे चटनी की हो रही है तैयारी, कड़ी पत्ता, प्याज, लहसुन, मिर्ची, और ये चने की दाल, दलिया नहीं है ये, चने की दाल है। इसको मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, चटनी पीसना, इसमें डालूंगी धनिया, नमक, बस और कुछ भी नहीं। तो गाइस, तवा हो गया है गरम, मैंने चटनी के मसाले निकाल चुकी हूँ, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, देख सकते हो वो मस्त वाला डोसा बन रहा है, आ जाए खाने के लिए गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो हो गया है डोसा रेडी, इसको ऊपर से तेल नहीं लगाया, वरना तेल लगा सकते। गाइस, आप देख सकते हो ऐसे कुरकुरे डोसे हो गए हैं रेडी मेरे जिदान के लिए। पहले जिदान खाएगा और उसे मार्क्स देगा, वो देखते हैं, क्योंकि घर तो ऐसे ही गंदा पड़ा है, कपड़ा बर्तन सब हो चुका है। जिदान को दे रही हूँ नाश्ता, ये छोटे से घर में ना बहुत सी गंदम दौड़ी हो जाती है, फिर बच्चे भी आज छुट्टी है तो लेटे हुए हैं। अभी क्या मुंबई में ये चलेगा, बारिश है तो छुट्टी, बारिश है तो छुट्टी। तो यहाँ पे तो तैयारी शुरू है, हमारे मियाँ
ओहो, क्या बताऊँ इनको। ए देखे, हाँ मिया, आज घर पे? हाँ, बारिश है तो मतलब क्या है? नजर उतारने के लिए बनाई है क्या? हाँ, तुम्हारी नजर उतार रही, तुमको ही नजर लग गई है। मैं तो वो कोयला हूँ जो 7 मिर्ची के नीचे बांधा जाता है और तू मेरा नजर उतारेगी वहां। तो 7 मिर्ची को मैं संभालता हूँ और डिंगू को तू मेरा नजर उतारेगी। वेरी गुड, अच्छा लाई तूने। अच्छा भी लगा मुझे नजर अपने तुम्हारा। आजू बाजू से भी नहीं गुजरता है, नजर वाले को तो गौर से देखना पड़ता है कि है कौन, दिख रहा ही नहीं है, और तू मेरा नजर उतारेगी। वेरी गुड, अच्छा करिए, अच्छा करिए। अच्छा लगा मेरे को भी तुम्हारी जबान खुली तो अच्छा लगा, वरना ये जबान बंद करके जो आदमी बैठता है ना घर में, गाइस, अक्का दिन मुंह बंद करके अपना बैठे रहेगा और कुछ नहीं तो बोलेगा आदमी। पूरी दुनिया बैठती है औरत के सामने मुंह बंद करके, तो एक मैं बैठ गया तो कौन सा अजूबा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम मतलब मेरे से डरते, ये बता रहे? डर किसी का नहीं है मेरे को, हाँ, आँख में आग डाल के देखा। ये डर नहीं है ना, यही तो बात है ना, हर इंसान को हर चीज से डर नहीं होता, किसी ना किसी चीज से तो मोहब्बत होती है ना, समझेगा तो डर नहीं होता कोई भी चीज का। इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा हर चीज से मोहब्बत करता है, तो उसको डर में काबिल कर लो या उसका फायदा ले लो, ये दोनों चीज आपके ऊपर रहती है। बाकी डर सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरे अल्लाह का है और किसी का नहीं है, ये अलग बात है। तो मजबूरी भी कोई चीज होती है। अच्छा, तुम मजबूर है मतलब? मैं नहीं, हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, समझे, हर इंसान मजबूर है, उसको काम करना है, मेहनत करना है, सोचना है, समझना है कि नहीं। अब ये नजर का क्या कर रही हो, फाइनल का फटाफट, तो फिर दूसरा आगे क्या चलेगा बाबा? नजर नहीं, वो चटनी है। हाँ, तुम तो गाइस देखिए, एक एक नए किस्म की इंसान का, अबला इंसान, आदमी 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 का हालात आप समझ सकते, ये चटनी है। हाँ हाँ, चटनी है। हाँ, ये चटनी है, ये चटनी है, ठीक है, देखते हैं, चीले की चटनी है। हाँ, देखते हैं, देख के बाद, हाँ, देखना, अगर नहीं खाए तो बोल देना। हाँ, खाना तो पड़े, खाना तो किसको भी पड़ेगा, खाने के मना नहीं करते तेरा गाइस। मना कर सकते हो तुम कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा? कौन कौन आदमी है जो मना करता है बिंदास अपने घर पे कि मैं नहीं खाऊंगा, या झूठ बोलता है मेरे जैसा बाहर से खा के आया? अच्छा, तो गाइस मुझे टैक्स कीजिए, बताइए, मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। बिंदास करना, डरना नहीं, कभी ना कभी तो आजादी आएगी ना तुम्हारी। ओके गाइस, एंजॉय। गाइस देखो, मैंने धनिया डाल चुकी है और अब लगाते हैं मिक्सी का ढक्कन और करते हैं चटनी तैयार। ला गाइस, करते हैं फोड़नी तैयार। फोड़नी मतलब बगार, मराठी में कहते हैं फोड़नी। आप देख सकते हैं उड़द की दाल, चने की दाल, राई, कड़ी पत्ता, ये रहा कड़ी पत्ता, फोड़नी हो रही है रेडी। मैं लाल मिर्ची नहीं डाल रही क्योंकि मैंने हरी मिर्ची अच्छी खासी ज़्यादा डाली हुई है। देख सकते हो पूरी चटनी मेरी रेडी हो गई। प्लीज थोड़ा मेरा बघार अच्छा खासा तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो रेडी हो रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओहो, तो गाइस आप देख सकते हो एकदम लाल हो चुका है बघार। देखिए क्या मस्त वाली रेडी हुई चटनी, तो ऐसी ही ट्राई करना। मैंने धनिया डाली दिया गाइस, तो नमक भी डाली थी, आप ऐसे ही ट्राई करो मस्त वाली चटनी के साथ में चीला। चलो मिलते हैं आगे। हो गई अपनी चटनी रेडी गाइस, यहाँ पे अपना नाश्ता है रेडी। अरे रोतड़ू पापा आ गया है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए इसको, चाहिए चाय। और कैसी बनी चटनी? क्यों, नजर उतारने के लिए रखी थी ना मैंने, तो नजर अच्छा बनता है ना। अच्छा, नजर उतरेगा तो अच्छा बनता है, आदमी अच्छा हो जाता है तो नजर उतरने के बाद तो ये तो चटनी है ना। अच्छा अच्छा, नजर उतरने के बाद चटनी अच्छी बन गई। और चाय दो भाई, और चाय। नहीं नहीं, और चाय नहीं, बच्चे लोगों को चाय नहीं हमारे इधर, अब्बा के बेटे। चलो करते हैं चीला, एंजॉय, बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे नाश्ता हो गया है रेडी। चलो चाय में ना, चाय में ना पानी मिला के तो दे दियो, सारा कब्जा देख लेता, पहचान लेता ये लड़का। लो आपकी चाय, बैठ के पी, एंजॉय कर, बैठ के एंजॉय कर। एक ही सांस में, एक ही सांस में पूरी चाय पी के खत्म। अच्छी थी? अच्छी नहीं थी? नहीं, मजा नहीं आया।
अल्लाह मजा नहीं आया हो। पानी इस बार ज्यादा हो गया था, पानी ज्यादा हो गया था। मेरे वाली पी तेरी चाय पी पी एक लो चाय। अच्छा चाय से घी ना जाएगी तो अच्छा है। हो गया चलो जा अल्लाह हाफिज। नहीं अल्लाह हाफिज ना, अल्लाह हाफिज जो अभी आना नहीं है, बहुत सता लिया आपने हमको। जाओ 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 अल्लाह हाफिज। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी चावल वगैरह की तैयारी है शुरू। नाश्ता बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, चावल धोके ले ली हूँ। आप देख सकते हो आज बना रही दूधी, दाल दूधी बना रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे चावल पहले भगा लूँ और यहाँ पे है फिर से नाश्ते की तैयारी। तो आज मेंदू वड़ा बनाऊंगी। आज सब साउथ इंडियन डिश, साउथ इंडियन। बच्चे बोलेंगे अम्मी आज की मद्रासी हो गई है। तो चावल बगा के मिलते हैं गाइस आपसे, क्योंकि मैंने ये काम ना आप देख सकते हो कि धो के कपड़े यहाँ डाल दिए और यहाँ के पहले के कपड़े यहाँ डाल दिए और यहाँ के पहले के कपड़े यहाँ डाल दिए और काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम बाकी है। अभी ये कपड़े लपेटने के बाकी है मेरे। और जिदान आया, उसको लगी भूख, मुझे पता था वो नाश्ता। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी खाना पकाने की तैयारी कर रही शुरू। नाश्ता जैसे हुआ कि खाने की तैयारी चालू कर दी। तो बच्चे को देती हूँ अब खाना, क्योंकि वो रात की खिचड़ी बचवी नहीं खाएगा। और यहाँ पे देखो बर्तन घस के रखे कि इसके पानी निथर जाए फिर लगाऊं, वरना ना अभी बारिश में ना कॉकरोच हो जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे बगार के हो गया है मेरा चावल। अब करते हैं ढक्कन बंद, क्योंकि मैंने ज़ीरा भी डाल दी, इसमें ज़ीरा राइस बनाऊंगी, क्योंकि दाल दूधी के साथ ज़ीरा राइस बहुत अच्छा लगता है। आप निकालते हैं दूधी, उसको कट करके उबाल लेती हूँ। बस यहाँ पे दूधी कट करके हो चुकी है, मैंने कम पानी में नमक डाल के इसको उबालने के लिए रखनी है, क्योंकि मैं अपनी घरी चाय को एंजॉय, क्योंकि चाय सवेरे से नहीं पीनी पी है तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तो चलो उसको चढ़ाते हैं, करते हैं चाय को एंजॉय। गाइस देखो मेरे स्नो का खाना आ चुका है, उसके साथ में गिफ्ट आया है। मोइन ओपन कर रहा है। हाँ 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 जियान, जियान क्या आया है? जियान तेरे लिए दारू की बोतल आई है। दारू नहीं है, नहीं है दारू। और क्या क्या है? जियान ये पिएगा, मैं वो पीऊंगा। पेप्सी भी आया है। और ये क्या है? कैरेमल और वो है न्यूट्रेला है। हाँ न्यूट्रेला है। मैगी मसाला है, एक मैगी मसाला है। और ये कॉफी आई है, कॉफी बनाएंगे गाइस, कॉफी बनाएंगे। ये बॉक्स जिदान तू, ए जिदान बोरी जियान तू खेल बॉक्स में, चले जा गुड्डलाल गुड्डल गुड्डलाल। ये तो खुश होता है। इसमें से कुछ चीजें गायब मैंने करी हूँ, उसमें नेविया का एक डिओड्रेंट भी था, मैंने उड़ा ली हूँ। चोरी नहीं हुआ, मैंने उठा ली भाई। मोइन कितने मेरे को मार रहा है, मोइन मार रहा है, मेरे को मार रहा है गुंडा लड़का, मेरे को मार रहा है गुंडा लड़का। है रात में, हाँ आज सैटरडे संडे, आज संडे। अरे वाह ये मजा, कैसा पिएगी माँ, कैसा पिएगा, कैसा पिएगी। नहीं खाने को अभी छुपा रहे, किसके वो जो हम लोग गिफ्ट आए ना उसके चक्कर में हम एक और मंगाएंगे गिफ्ट के चक्कर में। कट 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 हमें छुपा रहे। उसके अबू को बोले एक और ऑर्डर करो, बोले नहीं कि हम लोगों ने मंगा लिया, बस एक चांस और लेंगे कि क्या क्या आता है बॉक्स के अंदर, क्योंकि बर्थडे है जेप्टो का ना, जेप्टो का बर्थडे है तो गिफ्ट सबको दे रहा है। तो हम देखते हैं हमको फिर से गिफ्ट आता है कि नहीं। चला ये लड़का कहाँ जा रहा है मेरा सामान लेके, कहाँ पे स्नो का खाना लेके कहाँ जा रहा है? अम्मा खाना ऑर्डर करने का नानू को बोल पैसा दो। जियो भाजी वाला मच्छी वाला, साहब गिर गई मच्छी इसकी, पापड़े इसकी धमा चौपड़ी तो खत्म ही नहीं होती। डब्बा भी खड़े रह के चपका डाला, खड़ा था कब से इसके ऊपर। छोड़ दे बाबा गिरा देगा जियान, गया गया। अरे गाइस यहाँ पे दाल कुछ अपना रेडी है और दूध मैंने इसमें डाल दी और चावल भी अपने बन चुके हैं। तो ये लड़का कितना सता रहा, अभी पॉटी कर दिया, पॉटी दिला के अभी हुए फारिक, तो शू गिरा रहा है। इसको लेके जाके दे दो भाई, इसको दे दो घर पे, इसके लग जाएगा, बच्चे को लग जाएगा। देखो उसकी बहन आई है तो बता नहीं जाऊंगा जी यार, चले या तेरी दीदी के साथ में चिल्लाएगा, उसे वन साइड चिल्लाएगा पर जाएगा नहीं बता। चले जा मेरा बच्चा चले जा। तो
गाइस हम लोग निकल चुके हैं रात को घूमने के लिए दोनों जन, नाइट वॉक फुल ऑन एंजॉय, माशाल्लाह दुआ करना, माशाल्लाह दुआ करना, तकलीफों में भी अल्लाह ने अब्बा बनाया, घूमने का ही अल्लाह का एहसान है, हमेशा अल्लाह से राजी रहो, अल्लाह से राजी रखो, अल्लाह से राजी रहो कि अल्लाह जो करता बेहतर करता है, और हमेशा ही अल्लाह ने बेहतर ही किया है, पर हम ही गुनहगार हैं, बाकी अल्लाह बहुत अच्छा करता है हमेशा। थोड़ा निकले बाहर, चले आउटिंग के लिए, अब चले अपने घर की तरफ। आप देख बहुत ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे अपने घर पे जाके बच्चों को छोड़ के निकले हैं।